मध्य प्रदेश के बाद अब खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां पर बीएचयू में छात्रों से बीफ के बारे में सवाल पूछे जाने पर बवाल हो गया। छात्र बेहद भड़के हुए हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। पूरा बवाल दरअसल बैचलर्स ऑफ वोकेशन के सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सवाल पर हुआ। एग्जाम में बीफ से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए और इसी से नाराज होकर छात्रों ने बीएचयू के वाइस चांसलर को खत लिखा और दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तो ये वो क्वेश्चन पेपर है जो बैचलर्स ऑफ वोकेशन के सेकंड सेमेस्टर का है और इसमें देखिए सवाल लिखा हुआ है, राइट अ क्लासिफिकेशन ऑफ बीफ और उसे डिफाइन करने के लिए भी बोला गया है। इसके अलावा एक एमसीक्यू क्वेश्चन में भी बीफ ब्रॉथ्स को एज अ ऑप्शन यहां पर दिया गया है और इसी के बाद से जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो भड़क गए। उनका ये कहना है कि यहां प्रश्न पत्र में बीफ का सवाल पूछा जा रहा है, इसके अलावा बीफ को लेकर छात्रों को शिक्षा भी दी जा रही है जो बिल्कुल गलत है। दरअसल सेकंड सेमेस्टर के छात्रों से बीफ बनाने के तरीके के अलावा बीफ के क्लासिफिकेशन के बारे में सवाल पूछा गया था। छात्रों का आरोप है कि महामना के बनाए यूनिवर्सिटी में बीफ के बारे में पढ़ाया जा रहा है। महामना मदन मोहन मालवीय पूरी जिंदगी गौ संवर्धन में जुटे रहे, यूनिवर्सिटी में अब भी गौशालाएं चलती हैं, लेकिन उसी बीएचयू में अब बीफ के बारे में पूछा जा रहा है और इसी पर आपत्ति छात्रों ने जताई है। सुनिए पूरे मामले पर बीएचयू के छात्रों का क्या कहना है। हम आपको बताना चाहते हैं कि यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना जी ने बहुत ही कुछ सोच समझ के बनाया था और महामना जी हमेशा से गोवंश संरक्षण के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने गौशाला विश्वविद्यालय में बनाया है और उसी विश्वविद्यालय में आज बीफ पर क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बीफ की पढ़ाई कराई जा रही है जो कि महामना के मूल्यों के कतई अनुरूप नहीं है। इससे न केवल भावना आम आदमी के हाथ हो रही है बल्कि हम लोग महामना के मानस पुत्र हैं और हम लोगों के सामने ऐसा कुकृत्य हो रहा है। तो जिन लोगों ने यह काम किया है, जिन लोगों ने गोहत्या को बढ़ावा देने का काम किया, उन लोगों पर आपराधिक षड्यंत्र करने के मुकदमे में उचित कार्रवाई हो और विश्वविद्यालय को तत्कालीन लोगों को बर्खास्त करके एक नज़ीर पेश करनी चाहिए कि आगे से ऐसे विधर्मी लोग ऐसा कुकृत्य न करें। यहाँ वोकेशनल कोर्स कुछ चलते हैं और उसी में होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग वाला जो कोर्स है उसकी कल सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन था। उसके प्रश्न पत्र में क्लासिफिकेशन ऑफ बीफ पूछा गया और दुर्भाग्य ये है कि वो उस विश्वविद्यालय में पूछा गया जिसके जो संस्थापक थे वो गौरक्षा आंदोलन के अग्रगण्य नेता थे। पूरे भारतवर्ष में काशी में भी जो है कि महामना की प्रेरणा से कई गौशालाएँ स्थापित की गई, उनके विश्वविद्यालय में इस तरह से कोर्स डिजाइन करके और प्रश्न पूछना कि बीफ और इन सभी विषयों को लेकर नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, ये लगातार जो घटनाक्रम चल रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो हिंदू और हिंदू संस्कृति विरोधी जो घटनाक्रम लगातार नए कुलपति के आने के बाद चल रहा है उसी की अगली कड़ी है, जिसमें कि छात्रों को ये प्रेरित किया जा रहा है कि वो बीफ के बारे में पढ़ें, बीफ के क्लासिफिकेशंस पढ़ें, उसका वर्गीकरण पढ़ें। कुल मिला जुला के गौहत्या को जो है संस्थागत बनाने का ये पूरा का पूरा बौद्धिक षड्यंत्र है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र इसमें चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।